उत्तर प्रदेश लेखपाल 2020 की परीक्षा के लिए मैं मैथ्स की क्लास को पिछली क्लास से ही रिज्यूम करने जा रहा हूँ। पिछली क्लास को जो आपने पढ़ा था उसमें उसी के संबंधित टॉपिक को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आपने पिछली मैथ्स की क्लास पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने क्या चीज़ आपको एक्सप्लेन किया था और किस तरह से मैंने उसको रिलेट करने के लिए आपसे कहा था। मैंने इकाई के अंकों को पढ़ाने के दौरान मैंने बताया था कि हम इसको ट्रेलिंग विद जीरो मतलब शून्यों की संख्या के साथ यहाँ पर हम इंडप करेंगे। मतलब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि कैसे यहाँ पर किसी संख्या के अंत में कितने शून्य आते हैं, उन शून्यों की गणना को करने से संबंधित हम यहाँ पर लेक्चर आपका आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको एक से दो प्रश्नों की ऐसी जानकारी दूंगा जो प्रश्न आपके संभवतः परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके पूरे कॉन्सेप्ट को और लेक्चर की तरह मैं यहाँ पर शुरू से लेकर एंड तक करने की मैक्सिमम कोशिश करूंगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं जो छूट गई हैं या चीज़ें मिस कर गई हैं तो उसको हम लोग फिर से अगले लेक्चर के माध्यम से आपसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो कि ट्रेलिंग नंबर विद जीरो मतलब किसी संख्या के अंत में कितने शून्य आते हैं, उन शून्यों की पहचान करना, उन शून्यों को गिनना, इससे संबंधित है। अगर आपने पिछली क्लास को पढ़ा तो वहाँ पर आपने इकाई के अंकों को ज्ञात करना सीखा है। इकाई भी एक तरह से शून्यों की पहचान करने से संबंधित ही है क्योंकि वहाँ पर अंत की संख्या, अंत के डिजिट को हम नोटिस करते थे कि अंत में क्या आता था। यहाँ पर भी हमको अंत में इतना तो जानकारी होने जा रही है थोड़ी देर में कि शून्य आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए फिलहाल हमको टोटल फोकस करने को कहा शून्य पर। और हमको यह बताने के लिए मतलब यहाँ पर प्रश्नों को पूछा गया है कि आप ये बताइए किसी संख्या के अंत में अगर शून्य आए हैं तो शून्य कितनी बार आए हैं। पिछले प्रश्न की तरह, पिछले टॉपिक की तरह मैंने यहाँ पर भी एक संख्या से शुरुआत करने की कोशिश करी है। अगर मान लीजिए मैं एक संख्या से शुरुआत करूँ और उस संख्या को मैं डायरेक्ट लिख करके आपके सामने आपको प्रस्तुत करूँ कि संख्या है, संख्या को देखकर बताइए इसके अंत में कितने शून्य हैं। सो साधारण सी बात है, अगर केवल संख्या हमको दी गई है उसके अंत में हमसे शून्यों की गणना करने के लिए कहा जाए तो मैं देख करके बता सकता हूँ कि भैया शून्य है कि नहीं है, है तो कितने शून्य हैं। इसकी हमें कोई यहाँ पर इसके लिए हमें किसी स्पेशल टर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा मैंने इकाई के अंकों को ज्ञात करने के दौरान बताया था। यहाँ पर भी वही समस्या है कि जब कोई कैलकुलेशन किया जाता है और कैलकुलेशन में भी खासकर इसमें मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जोड़ने घटाने पर बहुत इतने ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं और जो भी बनते हैं बहुत ही साधारण से प्रश्न होते हैं कि हम आपको देख करके बताएँ, पहचान करवा के बताएँ कि अंत में कितने शून्य आ रहे हैं। आपको कोई भी संख्या दी गई है उसके अंत में शून्यों को निर्धारण करना बहुत ही आसान है, बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी बहुत आसान है। प्रॉब्लम यहाँ पर शून्यों को ज्ञात करने की होती है मल्टीप्लिकेशन में। जब हम संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे सामने एक समस्या बनकर आती है कि गुणे के दौरान आप किसी दो संख्याओं के अंत में कितने शून्य पा रहे हैं, इसको पहचान करना आवश्यक है। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अच्छा, शून्यों को ज्ञात करने का मतलब हो गया कि मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10 का गुणज। आपको अच्छी तरह से पता है कि 10 का गुणज जो होता है वही शून्य को जनरेट करता है। अगर किसी भी संख्या के गुणनफल में 10 गुणज की तरह काम कर रहा है, गुणनखंड की तरह काम कर रहा है, 10 उसके साथ मल्टीप्लाइड है तभी उसके अंत में शून्य आएगा। आप जब संख्याओं को लिखना शुरू करते हैं शून्य से लेकर के 9 तक तो आपको शून्य कहीं नहीं नजर आता है, लेकिन संख्याएँ जैसे ही शुरुआत होती है 10 से मतलब 10 के पहाड़े की तरफ से बढ़ना शुरू करती हैं तुरंत ही शून्य को देखना हम लोग शुरू कर देते हैं कि 10 पे शून्य है, 20 पे शून्य है, 30 पे शून्य है। इसी तरह से हम लोग संख्याओं पे देख पा रहे हैं कि उन्हीं संख्याओं के अंत में शून्य है जिन संख्याओं में 10 एज ए गुणनखंड, 10 एज ए फैक्टर काम कर रहा है। अब यहाँ पर इतना आसान तो होता नहीं है। यहाँ पर गुणनफलों को नोटिस किया जाता है, अच्छे लेवल के गुणनफल को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मतलब अच्छे लेवल के गुणनफल को हम लोग नोटिस करते हैं जो कि साधारण 2-4-6 नंबर पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, साथ साथ एक बड़ी सीक्वेंस या सीरीज को भी फोकस हो सकते हैं। हम उन हर प्रकार की बातों को करेंगे और मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूँ कि 1 से 2 प्रश्न आपके इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप अच्छे से इस पूरे टॉपिक को, लेक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पूरी बातें यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। देखते जाइएगा तो सब बातें स्पष्ट होती चली जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखा, यहाँ पर 25 लिखा, मैंने यहाँ पर 37 लिखा और मुझसे कोई कहे कि इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या है। अगर हम इस पूरे कैलकुलेशन की बात करें, अंत में शून्यों की संख्या क्या है, आपने अंत में शून्यों की संख्या करने के लिए आपके सामने क्योंकि छोटा सा दो डिजिट का दो संख्याओं का गुणनफल था या गुणन था, ऐसे दौरान हम लोग यहाँ पर कुछ ना करें इकाई के अंकों का भी गुणनफल करके देख लें तो हमको पता चल जाएगा इसके अंत में शून्य नहीं आ रहा बल्कि 5 आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि अंत में एक भी शून्य नहीं आया, अंत में एक भी शून्य नहीं आया, अंत में एक भी शून्य नहीं आया। अच्छा, अभी तो ठीक है, छोटा सा एक सीक्वेंस है, छोटी सी एक संख्याओं का प्रारूप है, देख करके हम पहचान कर पा रहे हैं, देख करके हम समझ पा रहे हैं, लेकिन यही चीज़ें धीरे धीरे आपकी बढ़ती चली जाती है तो समस्याएं हमारी बढ़ती चली जाती है। अब मान लीजिए अगर जैसे आपको दिया 24 गुणे 25
अब 24×25 भी एक बहुत ही छोटा सा मल्टीप्लिकेशन है, इसमें भी हमसे पूछा गया कि अंत में कितने शून्य हैं। आपसे इस प्रश्न में भी पूछा गया अंत में शून्यों की संख्या, अंत में शून्यों की संख्या आपसे पूछा गया। आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं और देखते ही आप लोग स्पष्ट कर पा रहे हैं कि सर इसमें अंत में शून्यों की संख्या करने में भी कोई समस्या नहीं है। आप गुणा करके देखेंगे तो 4×5=20 शून्य आया, लेकिन हम इससे नहीं कह सकते, यहाँ पर हमें पूरे गुणनफल को करने की आवश्यकता होती है। मतलब इस तरह का कोई प्रश्न आए तो आप केवल एंड डिजिट को मल्टीप्लाई करके नहीं डिसाइड कर सकते हैं, बस इतना डिसाइड कर सकते हैं कि अंत में शून्य है, ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि अंत में कितने शून्य है। इसको पता करने के मैं कुछ सिस्टम आपको कुछ पैटर्न बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। इसको करने के पीछे या तो एक तरीका था कि आप पूरे मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करिए, जो संख्या आए आंसर में उसी को देख करके डिसाइड करिए कितने शून्य आ रहे, लेकिन हम ऐसा हमेशा स्थिति में नहीं होती कि ऐसा कर पाएँ। इसके लिए मैं जो अब आपको बातें बता रहा हूँ उसको आप लोग नोटिस करिए, समझिए। मैं कुछ फैक्ट यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ, उन फैक्ट्स को आप लोग फोकस करिएगा और अपनी कापी में उतार लीजिएगा। फैक्ट्स पहला देखिए क्या है, मैं कहूँगा किसी भी गुणनफल चाहे आपका दो अंकों का, दो संख्याओं का हो, दो से ज़्यादा संख्याओं का हो, या एक पूरे सिक्वेंस या सीरीज का हो, किसी भी गुणनफल के अंत में ध्यान दीजिएगा, अंत में शून्य यदि आएगा तो संख्या तो उन संख्याओं तो संख्याओं का 10 गुणनखंड जरूर होगा, गुणनखंड जरूर होगा, अवश्य होगा। इस ध्यान रखिएगा, अगर संख्याओं के अंत में शून्य आएगा तो 10 जो है उन संख्याओं का गुणनखंड जरूर होगा, मतलब 10 फैक्टर की तरह काम करेगा। और आपको अच्छी तरह से पता है कि 10 जो होता है दो संख्याओं का गुणनफल होता है, 2×5। कहने का अर्थ होता है कि किसी भी संख्या के अंत में शून्य तभी आएगा जब उन संख्याओं में 2 और 5 का कम्बिनेशन एज ए फैक्टर काम करेगा। 10 की जरह 10 को हम नहीं सोचते हैं बल्कि यहाँ पर आपको बताते हैं संख्याओं के गुणनखंड में 2 और 5, यहाँ पर मैं केवल ना तो 2 की बात कर रहा हूँ ना तो 5 की बात कर रहा हूँ, मतलब दोनों के होने की अनिवार्यता की बात कर रहा हूँ। 2 और 5 का गुणनखंड में होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर इस बात को हम इसलिए ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि आप जब गुणनफल करेंगे तो आपको जरूरी नहीं कि ऐसी संख्या मिलेगी जो एक ही संख्या में आपको जो है 10 का गुणनखंड दिख जाए। हो सकता है किसी संख्या में आपको 2 का गुणनखंड नजर आए तो किसी संख्या में आपको जो है 5 का गुणनखंड नजर आए। जैसा कि मैंने अभी पिछली संख्याओं का जो मल्टीप्लीकेशन लिया है 24×25, आप वहाँ पर देख पा रहे हो कि 24 में 2 का गुणनखंड प्रयोग किया आ रहा है और 25 में 5 का प्रयोग आ रहा है, 10 कहीं से भी आपको नजर नहीं आ रहा दोनों में। इसलिए आप वहाँ पर कन्फ्यूजन के शिकार मत बनिए, 10 को मत सोचिए, ये सोचिए कि 2 और 5 का गुणनखंड के तौर पर प्रयोग किए जाना ही हमको यह निश्चित कर देता है कि इन संख्या के अंत में शून्य अवश्य आएगा। मतलब आप पहली चीज़ तो इतना दिमाग में रख लीजिए कि अगर हमको शून्यों की पहचान करनी है, शून्यों के बारे में खुद को निश्चित करना है कि शून्य आएगा कि नहीं आएगा, इसके लिए इस बात की सिक्योरिटी बनाना अनिवार्य है कि उन संख्याओं के गुणनखंड में 2 और 5 निश्चित तौर पर हैं। मतलब उन संख्याओं का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 अवश्य आएंगे। अब बात में तो यहाँ पर तो आपने डिटरमाइन कर लिया कि शून्य आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मुख्य पहलू अभी मुख्य मुद्दा क्या है, मुख्य मुद्दा है कि शून्य कितनी बार आएगा। अब यहाँ पर हमारा केवल इस बात को जज करना, आइडेंटिफाई करने का काम नहीं रह गया कि शून्य है कि नहीं है, अब इस बात को आइडेंटिफाई करने का रह गया कि शून्य कितनी बार है। तो अब मैं आगे बता रहा हूँ कि शून्य कितनी बार है, ध्यान दीजिएगा। शून्यों की संख्या मतलब गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो और पाँच के जोड़ों का सेंस होता है पेयर्स, जोड़ों मीन्स पेयर्स के बराबर होता है। 2 और 5 के जोड़ों की संख्या, मैंने बताया कि अंत में शून्यों की संख्या 2 और 5 के जोड़ों के बराबर होता है, मतलब उन संख्याओं के गुणनखंड में जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे, जोड़े बनेंगे, उतनी ही बार शून्य आएगा।
याद रखिए इस बात को कि कितने जोड़े बने हैं दो और पांच के, उतनी ही बार शून्य आएगा। इस बात को हम लोग समझ गए हैं। दो और पांच के जोड़ों की इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि जितनी बार दस एज ए मल्टीपल काम करेगा, मतलब दो और पांच को जब कंबाइन करेंगे तो आप एक दस बनेगा, तो आपको इस बात को निर्धारित करना अनिवार्य हो गया कि जितनी बार दस बनेगा एज ए गुणनखंड, एज ए फैक्टर, उतनी ही बार शून्य आएगा। मतलब मेरी बात आप गणफर्व रूप से समझ पाए होंगे। तीन बातें मेरे इस फैक्ट के माध्यम से बताने का मेरा उद्देश्य था। पहला एक, अगर आपको शून्य को पहचान करना है तो शून्य को पहचान करने के लिए दस एज ए मल्टीपल काम करना चाहिए। दस को हम इसलिए नहीं लेकर चलते हैं क्योंकि हर संख्या में दस फैक्टर की तरह काम नहीं करता है, फिर भी शून्य आते हैं। इसका अर्थ है किसी संख्या में दो काम करता होगा, किसी संख्या में पांच काम करता होगा। मतलब दूसरा फैक्ट ये हो गया कि संख्याओं में दो और पांच के जोड़े गुणनखंड की तरह काम करते रहने चाहिए। अगर दो और पांच एज अ फैक्टर काम कर रहे हैं उन संख्याओं में जिनका गुणनखंड किया जा रहा है, तो शून्य तो अवश्य आएगा। तीसरी बात, शून्यों की संख्या बराबर दो और पांच के जोड़ों की संख्या। जितने दो और पांच के जोड़े बनेंगे उतनी ही बार शून्य आएगा, इस बात को लिख लीजिए। दूसरी बात, दो और पांच के अलावा, या ऐसे कह दीजिए कि यदि दो और पांच नहीं आते हैं फैक्टर में, गुणनखंड में, तो शून्य कभी नहीं आएगा। इस बात को नोट कर लीजिए आप लोग। अब जैसे हम एक अभी कम्बिनेशन हमने आपको दिया कि 24 गुणे 25 है, मुझसे पूछा गया अंत में शून्य कितनी बार आएगा। पहली चीज, अंत में शून्यों की संख्या पूछा गया। पहली चीज तो हम इस बात के लिए पूरी तरह से श्योर है कि इसके अंत में शून्य आएगा, क्योंकि एंड डिजिट को हम मल्टीप्लाई करके चेक कर चुके हैं कि चार पंचे 20 होता है, शून्य तो आ ही रहा है। बट कितनी बार आया यह बात अभी हम समझ नहीं पाए हैं। इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे किया जाएगा। मैंने इसका जब गुणनखंड किया तो 2 × 4 × 8, मतलब 2 की पावर 3 हुआ था, मतलब 2 का प्रयोग 3 बार किया गया था। गुणे आपने 3 किया था, सोचिए 2 की पावर 3 का मतलब 8 × 3 करेंगे तो 24 आएगा। 5 की बात हमने किया तो 5 की पावर 2 हुआ था, मतलब 5 2 बार फैक्टर की तरह काम किया था। अब मैंने जब 2 और 5 के जोड़ों को नोटिस करने की कोशिश करी, मैंने देखा कि जो 2 के जोड़ों की या 2 की कमिंग थी, इनकमिंग थी, वह 3 बार थी। 2 जो है वह 3 बार आया था, जबकि 5 को मैं देख रहा था 2 बार आया था, 5 जो था वह 2 बार आया था। अब आप मुझे बताइए कि इस पूरे गुणनखंड में कितनी बार 2 आ रहा है, कितनी बार 5 आ रहा है, यही तो निर्धारित करेगा कितने जोड़े बनेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे समझ कर देखिए, 2 देखिए 3 बार आया है, ऐसे लिखा जाएगा। 5 देखिए 2 बार आया है, ऐसे लिखा जाएगा। अब मैं जब जोड़े बनाऊंगा तो इसका एक जोड़ा इसके साथ बनेगा, इसका एक जोड़ा इसके साथ बनेगा, ये छूट जाएगा। मतलब जो संख्या 2 और 5 में कम होगी, जो डिजिट 2 और 5 में कम होगा, उतने ही पेयर बनेंगे, उतने ही जोड़े बनेंगे। तो कितने पेयर बन रहे हैं बताइए, 2 पेयर्स बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं। 2 पेयर बन रहे हैं मतलब 2 जोड़े बन रहे हैं, जिन 2 जोड़ों की मदद से या हम जिन 2 जोड़ों को देख करके इस बात का निर्धारण कर सकते हैं किसके अंत में शून्यों की संख्या 2 हो जाएगी। इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसा मैंने इसलिए बताया क्योंकि 2 और 5 के जोड़ों की संख्या यहाँ पर 2 बनकर आ रही है। अब आप इस तरह के किसी भी मल्टीप्लिकेशन को देख करके निर्धारित कर सकते हैं कि शून्य आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा तो शून्यों की संख्या कितनी होगी। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे एक और हमने लिया 75, हमने लिया 25, हमने लिया 64, हमने लिया 63, हमने लिया 62। इस प्रकार से हमने एक गुणनफल सोचा। अब इस गुणनफल के थ्रू भी मैं यहीं पर बताना चाहता हूँ कि अंत में शून्यों की संख्या आपसे पूछा गया है, अंत में शून्यों की संख्या आपसे पूछा गया है, यह प्रश्न है आपका। अब देखिए हम कैसे इसको निर्धारित कर पाते हैं कि कितने शून्य आएंगे, क्या व्यवस्था होगी, क्या प्रक्रिया होगी, इस बात को आप धीरे धीरे करके एक्सेप्ट करोगे। मैंने आपसे कहा कि 2 और 5 के पद अगर होंगे गुणनखंड के तौर पर तभी शून्य आएगा। मैं इस मल्टीप्लिकेशन को देखकर इतनी मैथमेटिक्स तो जानता ही हूँ कि शून्य या 2 और 5 गुणनखंड के तौर पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आप 2 देख 5 देख पा रहे हैं, आप 2 भी देख पा रहे हैं, हर चीज़ लगभग आप समझ पा रहे हैं कि कौन आ रहा है, कितनी बार आ रहा है। 75 की बात मैं करूं तो आप समझ गए होंगे पूरी तरह से, 25 × 3 = 75 होता है। मतलब इसको मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूं, × 3 लिख सकता हूं अच्छी तरह से। यहां भी अगर मैं निर्धारित करूं तो 5 की पावर 2 लिखा जा सकता है, 5 2 बार प्रयोग में लाया गया है, और कहीं तो 5 नहीं। चलिए अब इसकी बात हम लोग करते हैं 2 की। अब हम 2 की बात करते हैं तो 2 देखिए यहाँ पर कितनी बार, 6 बार प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि 2 की पावर अगर हम लोग 5 करते हैं तो 32 आता है, 6 करने पर 64 आता है,
एक बार और यहाँ पर दो है, दो गुणे 31 होगा तभी तो 62 आएगा, मतलब एक बार दो और आया है। अब ये तो पहले से हमको निर्धारित था, निश्चित था कि दो और पांच दिख रहे हैं, तो इस बात से तो हम पहले भी श्योर हो चुके थे कि शून्य आएगा। अब हम इस बात पे भी अपनी सियोरिटी, अपनी निर्धारित सियोरिटी, अपना निश्चितता दिखाएंगे कि शून्य आएगा तो कितनी बार आएगा। इसके लिए हम दो और पाँच के जोड़ों की बात करने लगे। दो और पाँच के जोड़ों की अगर हमने बात किया तो मैंने दो को नोटिस किया तो दो तो 6 बार आ रहा है, दो कितना बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। जबकि पाँच की बात किया जाए तो पाँच यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर भी 2 बार, तो 5 कितनी बार आया बताइए, 4 बार आया। अब अगर बताइए आपके पास 6 पेंसिल हैं, 4 पेन हैं, तो पेंसिल और पेन के कितने जोड़े बन सकते हैं? आप खुद ही कहेंगे सर 4 बार बन सकते हैं। 4 लड़कियां हैं, 6 लड़के हैं, तो लड़के और लड़कियों का कितना पेयर बन सकता है? 4 पेयर बन सकते हैं। जो कम होगा उतने ही पेयर्स बनाए जा सकते हैं। तो आप कह दीजिए कि 4 अगर पेयर बनेंगे, 4 जोड़े हैं, तो 4 बार शून्य भी आएगा, यही आपका आंसर होगा। 4 बार शून्य आएगा, यही आपका आंसर हो गया। कि अगर ऐसा कोई गुणनखल होता है, ऐसा कोई गुणन किया जाता है, गुणा किया जाता है, तो उसके अंत में शून्यों की संख्या 4 आएगी। इसको हमने कैसे निर्धारित किया? सबसे पहले 2 और 5 को डिटरमाइन किया, फिर 2 और 5 कितनी बार थे इनको पता करके हम लोग इस बात को पता कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे इसी में कोई इस तरह का मल्टीप्लिकेशन आया, 63 है, 67 है, 97 है, 93 है, 47 है, 45 है, चलिए या 52 है। अब आप देखिए, आपसे पूछा गया कि अंत में शून्यों की संख्या, अंत में शून्यों की संख्या। अब आप क्योंकि पहले से जान चुके इस बात को कि 2 रहेगा, 5 रहेगा तभी तो शून्य होगा, तो मैं जब इस कॉम्बिनेशन को नोटिस कर रहा हूँ तो मैंने जब संख्याओं को रीड किया तो इतनी हमारी क्षमता है पहचान करने की कि 5 तो कहीं नहीं दिखा, 5 कहीं नहीं दिखा, 2 जरूर दिख रहा है मुझे, 2 यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ठीक है, 2 यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन 5 कहीं नहीं दिखा। जब 2 और 5 दोनों दिखेंगे तभी शून्यों की आने की पॉसिबिलिटी बनेगी, अदरवाइज शून्य नहीं आएंगे। केवल 5 आया होता, केवल 2 आ रहा है, तो शून्य तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं अंत में शून्यों की संख्या शून्य होगी, मतलब शून्य आएगा ही नहीं, शून्य नहीं आएगा मतलब आएगा नहीं, ऐसे कह सकते हैं। इस गुणनफल में हम कह सकते हैं सियोरिटी के साथ कि इस गुणनफल में शून्य नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं हमारी? अब छोटे बड़े इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आपको दिए जाएंगे, क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, थोड़े से हम लोग आगे की तरफ में बढ़ेंगे जिससे कि और इसके जो टेक्निकल प्रश्न है उसको भी हैंडल हम लोग कर पाएं। अब आप देखिएगा, इसमें जो सबसे अच्छे स्तर के प्रश्न आते हैं वो कुछ ऐसे सिक्वेंस होते हैं, बड़े लेवल के मल्टीप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पर जा करके हमको प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। एक सिक्वेंस सपोज करिए, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 100 9 तक बनकर आया। 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का गुणा किया गया, मतलब 1 गुणे, मैं पूरा लिख ही देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा और स्पष्ट हो सके, कोई समस्या की बात ना रहे। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9। अभी मैंने बहुत बड़ा सिक्वेंस नहीं लिया है, अभी इतना ही है कि आप प्रत्येक को रीड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, आप खतरे को भांप रहे होंगे कि यह 9 तक गया है तो यह 99 तक भी जा सकता है या 9999 तक भी जा सकता है। लेकिन यहीं से शुरुआत होगी और यहीं से चल करके हम उस आगे के खतरे को भी हैंडल कर पाएंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ, देखिए क्या किया गया है यहाँ पर। अगर हम इतनी हमारी क्षमता है कि हम इंडिविजुअल रीड कर पा रहे हैं, इंडिविजुअल रीड इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि डिजिट्स बड़े कम हैं, संख्याएं बड़ी कम हैं। अब आप देखिए, इंडिविजुअल रीडिंग कर लीजिए और उसको हम रिलेशंस थ्रू स्पेशल ट्रिक्स अगर हम लोग इन्वॉल्व कर देंगे तो सब बातें अब थोड़ी देर में आपको स्पष्ट हो जाएंगी। अगर हम यहाँ पर 2 को पहचान करना चाहते हैं, 5 की पहचान करना चाहते हैं, देखिए कैसे कर पाएंगे। मैंने 2 को नोटिस किया तो यहाँ पर 1 बार था, यहाँ पर 1 बार था। मैंने यहाँ पर भी 2 को नोटिस किया तो यहाँ पर 2 बार था, देख पा रहे हैं आप। यहाँ भी 2 को नोटिस किया तो यहाँ पर 2 1 बार था, देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर नोटिस किया तो 2 3 बार था, कितनी बार था, 3 बार था। तो 2 की अगर हम कुल बात करें, कुल काउंटिंग की बात करें, तो मैंने अनुभव किया है, पता किया, तो 3 2 5 2 7 बार तो 2 आया है, 7 बार क्या आया, 2 आया है। अब मैं जब 5 को नोटिस करने जा रहा हूँ, देखिए क्या हो रहा है। 5 को जब मैं नोटिस किया तो केवल 1 बार 5 आ रहा था, 1 बार 5 आ रहा था, इसलिए हम 5 की जो पेयर बना रहे हैं वो 5 का जो है कॉम्बिनेशन या 5 की आउटकम्स जो है केवल 1 टाइम्स है, एक बार में। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि 2 निकाल पाएँ, 5 निकाल पाएँ तो चीज़ें आसान हैं, 2 निकाल पाएँ और 5 निकाल पाएँ तो चीज़ें आसान हैं। अब मैंने इस बात को, अब यहीं पे मैं कुछ और बातें आपको बताऊंगा, कुछ महत्वपूर्ण पहलू जिससे कि आप
काफ़ी हद तक के रिलेट कर सकते हैं। अगर आपका दिमाग इधर उधर है तो आप प्लीज़ कंसंट्रेशन अपना बनाइएगा, सब बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये देखो ध्यान से कि हमने देखा 2 7 बार है, 5 1 बार है। तो शून्यों की संख्या की बात अगर हम करें, अंत में शून्य जो हुए वो कितनी बार हो गए, मैंने आपको बताया था जोड़ों की संख्या के बराबर। जोड़े कितने बनेंगे, जोड़े केवल एक बनेंगे क्योंकि एक ही बार तो 5 है, तो 1 आएगा। अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 1 हो गई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस गुणनफल में शून्य कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। अब यहाँ पर कई फैक्ट मैंने जैसे पहले से बता रखा कि लागू हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं। पहली चीज, अगर कोई इस तरह का क्रमिक सिक्वेंस है, क्रमिक सिक्वेंस आप समझ पा रहे हैं कि 1 से लेकर जैसे 9 तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, कहीं तक भी जा रहा, इस दौरान हमें 2 और 5 को पता करना भी बहुत आसान होता है। ऐसे जैसे हम देख देख के पता कर रहे हैं, ऐसे पता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, मुझे दोनों को पता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप कहोगे सर तो बड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है। पहली चीज़ मैंने कहा, पता करना बड़ा आसान है अगर ऐसा कोई क्रमिक सिक्वेंस होता है कि 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आएगा, 7 कितनी बार है। किसी भी डिजिट को अगर आप पता करना चाहते हो कि कौन कितनी बार आ रहा है, तो बहुत आसानी से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ज़रूरत भी नहीं है सबको करने की, क्योंकि हमें अंत में शून्यों की संख्या निकालनी है। तो मैं बता दूं कि ऐसा कोई क्रमिक सीक्वेंस होगा, तो एक नोट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसको खूब अच्छे से अपने ध्यान में रख लीजिएगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं, किसी भी क्रमिक सीक्वेंस के लिए जो 1 से शुरू हो रहा है, क्रमिक पद के लिए शून्यों की संख्या 5 के बराबर होगी। मतलब जितनी बार 5 आएगा, ध्यान दीजिएगा, जितनी बार 5 आएगा 5 के बराबर होगी। मैंने जो बताने की कोशिश करी आप समझ गए होंगे, मैंने कहा कि शून्यों की संख्या 5 की काउंटिंग के बराबर होगी। जितनी बार 5 आएगा उतनी ही बार, उतने ही अंत में शून्य आएंगे। अब आप कैसे समझ रहे हो इसको, आप समझिए, क्योंकि 2 हर 1। अच्छा, सीधी सी बात है, पेयर अभी बताते समय मैंने बताया, अगर 2 अलग अलग कैटेगरी के लोग हों तो जो कम लोग हैं उतने ही जोड़े बनेंगे दोनों के, तो श्योर है कि इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। अब आपको कम और ज़्यादा की पहचान करवा दूँ, 2 का जो आउटकम्स है हर दूसरे डिजिट पे है। 2 के बाद देखिए 4 में भी मिल रहा है, 6 में भी मिल रहा है, 8 के, हर 2 2 पदों के बाद 2 मिलता चला जा रहा है। लेकिन 5 की जो आउटकम्स है आप हर 5 के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसलिए ऐसे किसी भी क्रमिक सिक्वेंस में 5 की आउटकम्स हमेशा कम होगी और 2 की आउटकम्स हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि 5 की आउटकम्स यहाँ पर कम है। इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि ऐसे किसी भी क्रमिक पद के लिए आपको 2 को पहचान करने की जरूरत नहीं है, आपको 5 को पहचान करने की केवल आवश्यकता है कि 5 कितनी बार आ रहा है। 5 जितनी बार आएगा उतने ही शून्य आपके उस संख्या के गुणनफल में आएंगे, ठीक है। इस बात को आप समझ गए हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की, पहचान करने की, वो भी आवश्यक है। पहचान करने की क्या जरूरत है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जिस चीज़ को, मैंने लिखा है 1 गुणे, मैं जो लिखा हूँ वो देखिए ध्यान से, मैंने लिखा है 1 गुणे, 2 गुणे, 3 गुणे, 4 गुणे, 5 गुणे, 6 गुणे, 7 गुणे, 8 गुणे, 9। आपने अभी 2 की आइडेंटिफिकेशन किया कि 2 कितनी बार आया था, तो आप सबने यहाँ पर काउंट करके देखा। काउंट क्या, मैंने डायरेक्ट एक एक चीज़ को चेक करके देखा कि 2 जो है वह 7 बार आया था, जबकि अगर मैंने 5 की बात की थी तो 5 आपने नोटिस किया था 1 बार आया था। आप मेरी हर बात को समझ पा रहे होंगे। अब मैं सब थोड़ा सा अपने आप को जस्टिफाई करूं, स्पष्ट करूं कि हमारा कहना सही है कि नहीं है, हम जो फार्मूले लगाने जा रहे हैं, जो नियम लगाने जा रहे हैं, वो सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। इसके लिए किसी भी क्रमिक सीक्वेंस के लिए अंतिम पद को नोटिस करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास अंतिम डिजिट है उसको लेना पड़ेगा। उसको जैसे मुझे पता करना है कि 2 कितनी बार आ रहा है, तो मुझे उसको 2 से भाग देना होगा, 2 से भाग देना होगा। भाग देने के दौरान आपको अच्छी तरह से पता है कि भागफल और शेषफल दोनों चीज़ पे नोटिस किया जाता है, तो मुझे यहाँ पर शेषफल पर नोटिस नहीं करना है, मुझे ये देखना है कि कितनी बार वह जाएगा। 2 का पहाड़ा 9 में 4 बार जाएगा। जो कोशेंट आया, जो भागफल आया, उसको फिर लाइए और फिर 2 से भाग दीजिए, और यह भाग की प्रक्रिया अनवरत तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपकी वह संख्या भाजक से कम ना हो जाए, मतलब 2 से कम ना हो जाए। तो जब मैंने 4 को 2 से भाग दिया तो 2 बार गया, अभी भी 2 है, 2 के बराबर है। 2 का पहाड़ा अगर 2 में करेंगे तो 1 बार आएगा, और आप इसको जब जोड़ देंगे तो 4 2 6 1 7 बार आया, 4 2 6 1 7 बार आया। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे, 4 2 6 1 7 बार मैंने पहले से बता रखा है कि 4 2 6 1 7 बार आ रहा है, आप इसको देख पा रहे हैं, इसमें कोई समस्या की बात ही नहीं है, ठीक है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं कि 4 2 6 1 7 बार आ रहा है। अगर यही चीज़ हम केवल 2 की ही बात नहीं कर रहे हैं, कभी ऐसा कोई सिक्वेंस दे दे आपको और आपसे पूछ ले 3 कितनी बार आया,
ठीक है, तीन को भी पता करना होता तो नौ को हम यहाँ पर तीन से डिवाइड कर देते, तीन तीन नौ कर देते। अब तीन को मैं तीन से डिवाइड कर, देखिए एक आया, तीन की पहचान करनी, देखिए कितनी बार आ रहा है, चार बार, चेक कर लीजिए थोड़ा सा, देखिए एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है और दो बार यहाँ पर है, दो एक तीन एक चार, चार बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कहने का अर्थ होता है केवल दो और पांच के लिए काम नहीं करता है, इस सब के लिए काम करता है, कोई भी होगा उसके लिए काम करेगा। चलिए दो तो मैंने चेक कर लिया, लेकिन दो को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको जरूरत किसको चेक करने की है, आपको तो चेक करने को पांच की जरूरत है। तो आपने नौ को जब पांच से भाग दिया, देखिए एक ही बार चला गया तुरंत, और एक पांच से छोटा होता है, जब एक पांच से छोटा होता है तो पांच तो एक बार आ ही चुका था, आपने पहले से निर्धारित कर रखा था। तो कहने का अर्थ होता है कि आपको, अब आप समझ गए होंगे कि संख्याओं को एज ए फैक्टर गिनना भी बहुत आसान है, अगर कोई ऐसा क्रमिक सीक्वेंस मिलता है तो एज ए फैक्टर गिनना भी बहुत आसान है, और गिन भी लिए तो हमें सबको गिनने की आवश्यकता भी नहीं है, हमें केवल पांच को लेकर चलने की आवश्यकता है, बाकी किसी को लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। अब आप एक दो और करेंगे तो प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी। जैसे मैंने कहा एक गुड़े, दो गुड़े, तीन गुड़े, अब ऐसे बढ़ते चले गए और हम पहुंच गए कह रहे 57 पर। अभी हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन मिला, मुझसे पूछा गया इसके अंत में शून्यों की संख्या, अंत में शून्यों की संख्या। अब आपसे देखिए इसके अंत में शून्यों की संख्या अगर पूछा गया है तो बताइए क्या होगा। अब आप खुद ही देखिए निर्धारित कर सकते हैं कि अंत में शून्यों की संख्या यहाँ पर कितनी बनकर आएगी। सेम कॉन्सेप्ट है, 57 भाई क्रमिक सिक्वेंस है, आप 57 को 5 से भाग देंगे, जैसे ही 5 से भाग दिया आपको पता है 11 बजे 55, 11 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 को फिर 5 से भाग देंगे, 5 × 2 = 10 होता है, 2 जाएगा, 2 में तो 5 से भाग दिया नहीं जा सकता, तो 11 × 2 = 13, आप समझ गए होंगे 13 बार 5 आएगा एज ए फैक्टर। अगर 13 बार 5 फैक्टर की तरह आएगा तो 13 ही शून्य इस संख्या के, इस गुणनफल के अंत में आएंगे, तो अंत में इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या 13 बार होगी, मतलब 13 बार शून्य इस गुणनफल के अंत में आपको देखने को मिलेगा अगर आप इन पूरे समूह को, इस पूरी संख्या समूह को मल्टीप्लाई करते हैं, गुणनफल में लाते हैं। तो मेरी बात आप कंफर्म कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। ऐसा कोई भी सीक्वेंस आएगा तो आप हर प्रकार के सीक्वेंस को हैंडल करने की अब क्षमता रख रहे हैं। मैंने 1 से लेकर 213 तक की संख्याओं का गुणनफल करने को आपको कहा, और मैंने आपसे पूछा भैया इसके अंत में कितने शून्य आएंगे, अंत में आपसे पूछा कितने शून्य आएंगे, यह बात आपको जानकारी में रखना है, बताना है। तो 213 को फिर मैंने क्या किया, 5 से भाग दिया। अब आप देखिए खुद ही, 5 × 4 = 20 होता है, 5 × 2 = 10 होता है, समझ रहे हैं, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, आप 42 बार जा रहा है, 42 को आप 5 से भाग दे दीजिए, 5 × 8 = 40 हो रहा है, आप समझ गए होंगे। 8 को आप 5 से भाग दे दीजिए, 5 × 1 = 5 होगा, 3 से इस पल बचेगा, उससे हमसे कोई अर्थ नहीं है। मेरा कहने का अर्थ होता है कितना बार जा रहा है उसको देखने की जरूरत है बस। मैंने 5 से भाग दिया, एक बार रिपीट करते, 5 × 4 = 20, 1 = 3, 1 × 3 = 13 होता है, 5 × 2 = 10, 42 हो गया। 42 को 5 से भाग दिया, 8 बार गया, 8 को 5 से भाग दिया, 1 बार गया, प्रत्येक को जोड़ दिया तो 8 × 1 = 9, 42 × 9 कितना होता है, 51, 51 बार इस संख्या के अंत में 51 बार शून्य आ रहा है, कितना आ रहा है, 51 बार शून्य आ रहा है। तो यह आपके इस प्रश्न का उत्तर हो गया, 51 बार शून्य आया है, 51 बार शून्य आया है, 51 बार शून्य आया इस गुणनफल में। अभी आप समझ गए होंगे किस तरह के प्रश्न यहाँ पर बन पा रहे हैं, क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है। कुछ एक बातें मैं और यहाँ पर आपको दर्शा दूँ जिससे कि थोड़ा सा इसके टर्म आप स्पष्टी इस पर जस्टिफाई कर पाएँ। जैसे मान लीजिए एक समूह आपको कुछ इस तरह से दिया गया, 13 × 14 × 15 × 16 × 17 × 18, मान लीजिए यह सिक्वेंस आपको दिया गया और आपसे पूछा गया कि अंत में कितने शून्य आएंगे, अंत में कितने शून्य आपसे पूछा गया। अब देखिए थोड़ा सा अभी आपको दिख रहा होगा यह क्रमिक सीक्वेंस तो है नहीं, अभी मैंने फिर से आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम ली है, लेकिन यही प्रॉब्लम हो सकता है 13 से लेकर 215 तक की होती, आप समझ रहे मेरी बात को। लेकिन अभी मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा तो उसको भी मैं यहाँ पर लेकर के आपको दर्शा पाऊँगा और आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात इसमें भी नहीं आएगी, इतना समझ कर चलिएगा। अब आप समझने की कोशिश करो, पहली चीज़ यहाँ पर डिजिट कम है तो आपको अच्छी तरह से पता है एक एक को नोटिस किया जा सकता है, डिजिट अगर कम रहते हैं तो एक एक को नोटिस करना यहाँ पे आसान रहता है। 5 आपको दिख रहा है कितनी बार, मेरे ख्याल से 1 बार, 5 एक बार दिख रहा है, 2 भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 एक बार दिख रहा है, 1 बार दिख रहा है मतलब 2, यहाँ पर 4 बार दिख रहा है, यहाँ पर 2 मतलब 1 बार दिख रहा है। तो कहने का अर्थ 2 की काउंटिंग ज़्यादा है, 5 की काउंटिंग कम है, तो आप समझ गए होंगे कि 1 बार शून्य आएगा, 1 बार शून्य आएगा।
अब यहाँ पर जैसे इस तरह की प्रॉब्लम को हम इंडिविजुअल रीड करें अच्छी बात नहीं, इसके लिए मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ, संबंध बताता हूँ, कुछ तरीके बताता हूँ। जैसे अगर बीच में से हमने एक टुकड़े को तोड़ के निकाला, अगर देखा जाए तो यह एक सीक्वेंस था, कहाँ से कहाँ तक का था उसको आप समझने की कोशिश करिए। हालांकि मैंने बता दिया कि एक बार शून्य आएगा, लेकिन आपको पता है कि अगर हम इसको क्रमिक का रूप दे देते, तो यहाँ क्या होता, 12, और यह ऐसे बढ़ता रहता और यहाँ से 1 × 2 × करके आया होता, 1 × 2 × 12 करके ऐसे कुछ चला गया होगा 18 तक। आप मेरी बात को समझिए। अब ऐसे थोड़ा सा नोटिस करने की आवश्यकता है हम लोग को कि अगर मैं 1 से चलूँ और मैं 18 तक जाऊँ, 1 से मैं चलूँ और 18 तक जाऊँ, ठीक है, 1 से चल करके अगर मैं 18 तक जा रहा हूँ और उसके बाद मैं 13 से लेकर के 18 तक की बात करूँ, दो तरह से मैंने चीज़ों को नोटिस कराने की आपको कोशिश करी है, 1 से 18, 2 से 18। जबकि आप सोचिए 1 से 18, 13 से 18, आप ऐसे सोचिए तो आपको जो है ज़रूरत किसकी है, ज़रूरत आपको केवल 13 से लेकर के 18 तक की है, जहाँ पे आपको शून्यों को पता करना है। लेकिन आपको यहाँ पर दो बार काम करना पड़ेगा। अगर मैं 1 से लेकर के 18 तक की कम्बिनेशन के लिए मैं पता कर लूँ कितनी बार 5 आया, 1 से लेकर 12 तक के कम्बिनेशन का मैं पता कर लूँ कितनी बार 5 आया, और इस 18 में से 12 वाले 5 की संख्या को मैं अगर घटा दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसमें कितने शून्य आएंगे, हमारी रिक्वायरमेंट में कितने शून्य आएंगे पता चल जाएगा। आप 18 को सबसे पहले 5 से भाग दीजिए, 5 × 3 = 15 होता है, स्पष्ट है कि 3 बार हुआ। इसी तरह से जैसे इसका पता करना है तो 12 को आप 5 से भाग दीजिए, 5 × 2 = 10 होता है। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर 1 से 18 तक लेके चलते तो 3 × 5 आता, 1 से 12 तक में 2 × 5 आया है, तो 3 में से आप केवल 2 को घटा दीजिए, क्योंकि आपको कितने से मतलब है, आपको केवल इस समूह से मतलब है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना हुआ 1। आपने पहले से बता रखा था एक बार शून्य आएगा। अब हमने जो स्ट्रक्चर इतना लॉजिक बना के रखा है इसकी भी ज़रूरत आपको नहीं है। आप इसी समूह को जो मैं 13 से 18 तक लेके चल रहा था इसको कुछ ऐसे भी सोच पा रहे थे, 14, 15, 16, 17, 18। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब भी आपको एहसास हो कि कोई एक क्रमिक सीक्वेंस था उसमें हमने एक टुकड़े को तोड़ के दे दिया और आपसे अंत में शून्यों की संख्या पूछ लिया, अंत में शून्यों की संख्या आपसे पूछा गया, ऐसी दशा में आपको दो काम करना होगा। एक तो जो सबसे अंत पद है उसको लेना होगा, और जहाँ से पद आपका स्टार्ट है उसके पहले वाला पद नोटिस करना पड़ेगा, मतलब दो पद नोटिस करने पड़ेंगे। मतलब इतनी लॉजिक लिख के आपको चलने की आवश्यकता नहीं, आपको काम क्या करना पड़ेगा, सबसे इंड डिजिट लेना होगा, इंड नंबर लेनी होगी, और द नंबर जहाँ से हमारा कलेक्शन, हमारा सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है उसके बिफोर का नंबर सोचना होगा, और इतना तो हम कर ही सकते हैं। बस 18 को 5 से भाग दीजिए, 3 बार गया, 12 को 5 से भाग दीजिए, 2 बार गया, 3 में से 2 को घटा दीजिए, 1 बार आया, आपको शून्यों की संख्या 1 बार हो गई। मेरे ख्याल से 5-7 सेकंड का प्रश्न बनेगा अगर अच्छी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं बीच में, तो मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, मेरे फैक्ट को। अब ऐसे ही देखिए, यही चीज़ अगर ऐसे कुछ बना होता कि लिखा होता 113, 114, 100 आने बढ़ता चला गया 772 तक। अब आपको इसके इस प्रश्न में भी अंत में शून्य पूछा है, अंत में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। अब मेरी बात को आप फिर गौर करेंगे, यहाँ पर भी सेम स्थिति है, सेम अप्रोच है, आप समझ गए होंगे, सेम अप्रोच है, सेम स्थिति है। तो ऐसी दशा में हमको फिर से नोटिस करना है, तो हमको मैंने जैसे भी बताया कि इंड डिजिट लीजिए और जहाँ से नंबर स्टार्ट हो उसके पहले सोचिए क्या रहा होगा, 112 रहा होगा, इसको लीजिए पहला काम, तो इसको 5 से डिवाइड करिए। अब मैं जब 5 से डिवाइड करने गया, देखिए कैसे जा रहा, बहुत आसान है, इसे कैलकुलेशन में घबराइएगा मत, बस 5 × 1 = 5 हुआ, 2 × 7 लिया, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 20, 154 आया होगा। आप एक बार थोड़ा कन्फर्म करते चलिएगा, क्योंकि ये सब हमारी ह्यूमन वर्किंग होती है तो गलतियों के चांस भी बनते हैं। मैंने क्या किया, 5 × 1 = 5, 2 × 7 हुआ, 5 × 5 = 25, 2 × 2 हुआ होगा, मतलब 5 × 6 = 20। मैंने 154 को फिर 5 से भाग दिया, जब मैंने 5 से भाग दिया 154 को, देखिए क्या स्थिति बन रही है, 5 × 3 = 15 हुआ, शून्य हुआ, 30 × 5 = 150 होता ही आपको पता है। 30 को मैंने फिर 5 से भाग दिया, 5 × 6 = 30 होता है, 6 को मैंने फिर 5 से भाग दिया, 1 होता है, 6 × 1 = 7 हो गया। अब आप थोड़ा सा जोड़ने की दशा में आइए, देखिएगा अगर जोड़ लें हम इसको, 6 × 1 = 7 हुआ, या ऐसे जोड़ लीजिए, 100 आप यहाँ पर 154 है, 154 में 30 जोड़ेंगे तो 184 होगा, 184 में 7 जोड़ देंगे तो 191 होगा, 191 समझिए, 6 × 7 = 37 हो गया, 7 × 4 = 11, 5 × 3 = 8 = 9, 191 हो गया।
अब मैं 112 को भी 5 से भाग दे दूं, देखिए कितनी बार जा रहा है, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है, 22 पंचे 110 होता ही है। अब मैंने 22 को 5 से भाग दे दिया, 5 चौके 20, अब तो जाएगा नहीं, 22 4 होता कितना है, 26 होता है। अब मैंने बस क्या किया कि 191 को से 26 घटा दिया, 11 से 6 5, 8 से 2 6, 165 बार। अगर हम इस प्रकार का कोई मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसके अंत में 165 बार शून्य आएगा। आप समझ गए होंगे कि कैसे कैलकुलेशन करना, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा गंभीरता बना के रखनी होगी, आप ऐसे किसी भी प्रश्न को बड़े आराम से उत्तर दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब देखिए कुछ और प्रश्न बनते हैं, जैसे कि मैंने एक शब्द आपको यूनिट डिजिट पढ़ाते समय डिस्कस किया था, फैक्टोरियल। बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप फैक्टोरियल के अगर प्रश्न देखेंगे तो कैसे आप पता कर पाएंगे किसके अंत में कितने शून्य आएंगे। फैक्टोरियल के प्रश्न अगर आपको मिले तो आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे, जिसको आप जानते हैं हिंदी में क्या इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है क्रम गुणित, इसका अर्थ होता है क्रम गुणित। मतलब क्रम गुणित के प्रश्न अगर आप देखेंगे, मैंने पिछली क्लास में भी आपको इस बात की जानकारी दी थी, अगर हम किसी भी n का फैक्टोरियल करते हैं, चाहे इस तरह से लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। अगर हम किसी भी n का फैक्टोरियल करते हैं तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन, ऐसे ही 3 × 2 × 1, मतलब अंतिम में तो यह सिक्वेंस आपको एक तो मिल ही जाएगा किसी भी हालत में, चाहे ये चल गया है चाहे ये चल गया है। आपको मैंने पहले बता रखा है कि यहाँ पर जो भी किसी भी संख्या का फैक्टोरियल करा जाता है तो इंड तक एक चला जाता है, इंड तक एक पे पहुँच जाता है। आप जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप 5 का फैक्टोरियल करिए तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बनता है, ठीक है, इंड में देखिए एक पहुँचा कि नहीं पहुँचा। अब आपको यहाँ पर जो प्रश्न दिए जाएंगे उसमें कुछ इसी प्रकार की बात की जाएगी कि आपको एक फैक्टोरियल संख्या दी जाएगी, मतलब एक संख्या के फैक्टोरियल संबंधित नंबर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंत में कितने शून्य आए, इसके अंत में कितने शून्य आए हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैंने आपसे कहा कि 123 का फैक्टोरियल है, आपसे पूछा के अंत में, के अंत में कितने शून्य हैं, कितने शून्य के अंत में कितने शून्य हैं, यह आपसे प्रश्न पूछा गया कि अंत में कितने शून्य। अब आपके सामने एक बड़ा कन्फ्यूजन आया, यह तो एक सामान्य मल्टीप्लिकेशन भी आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर फैक्टोरियल को कोई निर्धारित करे सोचे तो वह एक सीक्वेंस वाला ही मल्टीप्लिकेशन है। कैसे आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 123, 122, 121 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता चला गया तो 3 × 2 × 1। अब आप जो चीज़ अभी हमें इधर साइड से उधर लिख रहा था वही चीज़ इस साइड से उस साइड हो गई, बस उल्टा हुआ और कोई फर्क की बात ही नहीं है। आप इसको चाहें तो 1 × 2 × 3 × 123 तक का मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं। और ऐसी संख्याओं में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया कि जो इंड होता है उसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। इंड को 5 से डिवाइड अगर जब मैंने किया, जो सिस्टम था उसी को फॉलो कर रहे हैं, 5 से डिवाइड किया तो 5 × 2 = 10 हुआ, 5 × 2 = 10 हुआ और 5 चौके 20 हुआ, 24 पंचे 120 होता है। फिर 24 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 चौके 20 होता है, बस अब तो 4 जाएगा नहीं, 24 4 आपका क्या होगा, 28। कहने का अर्थ हुआ कि इसके अंत में 28 बार शून्य आएगा, 28 बार शून्य आएगा। अगर कोई इस तरह का फैक्टोरियल प्रश्न आपके सामने आए, कोई भी इस तरह का फैक्टोरियल प्रश्न आपके सामने आए तो आप उसको देख करके बता सकते हैं कि उसके अंत में कितने शून्य आएंगे और कैसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 4 तक के फैक्टोरियल की बात अगर किया जाएगा, 1 से लेकर 4 तक के फैक्टोरियल की बात किया जाएगा तो उसके अंत में एक भी शून्य नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि शून्य तभी आएंगे जब 10 एज ए मल्टीपल काम करेगा। 10 एज ए मल्टीपल मतलब 2 और 5 का पेयर गुणनखंड के रूप में जरूर बनेगा। तो 5 से स्टार्ट होकर के किसी भी संख्या का अगर फैक्टोरियल आपको ज्ञात करना है, बस उस संख्या का, संख्या को तुरंत 5 से भाग दीजिए, जो सिस्टम हम आपको बता रहे हैं इसी थ्रू। जैसे मैं आपसे कहता, बस देखिए मुझसे कोई कहता कि 532 का फैक्टोरियल है कि अंत में शून्य कितने आएंगे, कि अंत में शून्य कितने आएंगे, शून्य हमसे पूछा गया, तो क्या मैंने कोई और स्टेप अप्लाई किया, जरूरत ही नहीं मुझे, मैंने केवल 532 को 5 से भाग दिया, मैं एक बार लेके गया शून्य 5 × 6 = 30 कर दिया, 106 को लाए और 5 से भाग दिया मैंने, 5 × 2 = 10 हुआ, 5 × 1 = 5 हुआ, 21 को मैंने 5 से भाग दिया, 5 चौके 20 हुआ, 5 चौके 20 हुआ, बस हो गया। अब आप समझ गए होंगे क्या किया मैंने, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30 हुआ। अब समझ लीजिए 106 हुआ, 106 को 5 से भाग दिया 21 आया, फिर 21 को 5 से भाग दिया 21 = 4 = 25 होता है, 25 × 6 = 31, 131 बार, 131 बार शून्य आएगा इस संख्या के अंत में, मतलब इस 532 के फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या आपकी 131 बार होगी।
मेरी बात को आप गंभीरता से समझ पाए होंगे, चीज़ों को फैक्ट को क्लियर कर पाए होंगे। अब मेरा जो अगला सिस्टम होगा, अगला सेशन होगा, पहली चीज़ तो आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से इसको बताइए कि आपको ये सब बातें समझ में आई कि नहीं आई। आपको अगर समझ में आया तो आप उस चीज़ को अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर प्रेजेंट करें इस प्लेटफॉर्म पर। दूसरी चीज़, हम यहाँ पर और भी एक जानकारी दे दें, जैसे संस्थान की गतिविधियाँ जो हैं आपके सामने प्रेजेंटेड हैं, आपको जो लेखपाल का बैच है आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रह करके आपको सूचित कर रहे हैं हर चीज़ के बारे में। संस्थान में जुड़ने का सिस्टम भी आप सबको, बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन में रहता है, तो मेरे वीडियो के नीचे देखिए आपको कुछ नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है और साथ साथ कॉलिंग नंबर भी है, तो आप किसी भी थ्रू, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू चाहे कॉलिंग के थ्रू, आप किसी थ्रू संस्थान से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर टेकिंग द एडमिशन, आप समझने के लिए, एडमिशन लेने के लिए या किसी भी प्रकार से संस्थान से जुड़ने के लिए, संस्थान की चीज़ों को समझने के लिए। तो आप लोग उस नंबर पर रह करके बात करके अपनी क्वेरीज़ को क्लियर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब मैं जो अगला टॉपिक उठाऊंगा उस टॉपिक में मैं कुछ कॉम्बिनेशंस क्वेश्चन, जो स्तरीय प्रश्न होते हैं, जो एक अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं, चाहे वो यूनिट डिजिट के प्रश्न हो चाहे ट्रेलिंग विद जीरो के प्रश्न हो, उन प्रश्नों से संबंधित एक श्रृंखला मैं लेकर के आपकी क्लास में आऊँगा, जिससे कि आपको 102 नंबर में निश्चित करा सकूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये सारी क्लासेस समझ में आ रही हैं, खूब अच्छे से आप क्लियर कर पा रहे हैं, और उम्मीद करूँगा कि ऐसे मैं आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर आता रहूँगा और आपको समझाते रहूँगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।